विधानसभा चोणों तो पहला श्रोमणी अकाली दल अज होर मजबूती मिली। जी हाँ, डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया वालों अकाली दल और बसपा गठजोड़ समर्थन का ऐलान कर दिया गया। DPI के प्रधान पुरशोत्तम लाल चड्ढा ने ऐलान किया। जलंधर च श्रोमणी अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल ते बसपा जनरल सकत्तर डॉक्टर नछत्तर पाल की मौजूदगी DPI वालों ऐलान किया गया। कहा गया कि असी बिना किसी मंग या फिर बिना किसी शर्त तो अकाली दल और बसपा का समर्थन करांगे। पुरशोत्तम चड्ढा उन्होंने वालों ऐलान किया गया। DPI ने अज बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान कर दिया श्रोमणी अकाली दल। इस उन्होंने कहा कि अकाली दल वालों दलित हिंदू डिप्टी CM बनाने का ऐलान दूरअंदेशी वाला है। अकाली दल का मकसद सारे वर्ग सारे धर्मां इकट्ठा करना है। यह बयान आया सुखबीर सिंह बादल का। इस ही सुखबीर सिंह ने कहा कि प्रकाश सिंह बादल की सोच सारे धर्मां दे अस्थानां नूं खूबसूरत बनाउणा है, पर अफसोस कि कांग्रेस सरकार वालों सारे काम रोक दिए गए। फिलहाल तस्वीरां द्वारा TV स्क्रीन से तुसीं वेख पा रहे हो, अज डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया वालों वड्डा समर्थन दिता गया। एक वड्डा हुंगारा श्रोमणी अकाली दल और बसपा मिलिया जो DPI ने बिना किसी शर्त तो आउंदियां विधानसभा चोणां दे लई श्रोमणी अकाली दल बसपा समर्थन देने का ऐलान कर दिता। श्रोमणी अकाली दल का मकसद पंजाबियों को इकट्ठा करना, सारे वर्गों को इकट्ठा करना, सारे धर्मों को इकट्ठा करके एक वधिया पंजाब का सूबे सरकार देना। जे 5 बार बादल साहब मुख्यमंत्री इसलिए बने क्योंकि पंजाबियों को बादल साहब ते जबान ते पूरा विश्वास। साहब प्रकाश सिंह बादल जो भी मुख्यमंत्री बनते वो गरीब दी दलित परिवार दी बैकवर्ड जिहड़े परिवार आ उन्हां दी व्यापारियों दी जो जो मुश्किल हुंदी जो जो उन्हां दे मन च भावना हुंदी उह समझदे ते नाल दे नाल हल करदे। साहब प्रकाश सिंह बादल दी सोच जिवें कल भी जिक्र कीता, उन्होंने कोशिश हुई कि सारे धर्मां दे जे पवित्र स्थान है उन्होंने बहुत खूबसूरत बनाया जाए। भगवान वाल्मीकि जी का पवित्र स्थान राम तीर्थ जाके देखो कितना खूबसूरत 300 करोड़ रुपये ला के बनाया, पर अफसोस इस गल का पिछले 4 सालों के अंदर उत्थे बुरा हाल कर दिता। गुरु रविदास जी महाराज का पवित्र स्थान करालगढ़ वास्ते वधिया काम शुरू करके बड़ी तेजी काम शुरू करता, पर जदों की कांग्रेस सरकार आई है एक इट नहीं लाई। दुर्गयाना मंदिर च भी बहुत वधिया प्लैन करके 200 करोड़ का प्रोजेक्ट वधिया चलाया, पर हौली जदों की सरकार बदली काम उत्थे ही रुक जांदा। आ फर्क है एक सच्चे पंजाबियों की सरकार एक बाहरलियां की सरकार। श्रोमणी अकाली दल पंजाबियों की पार्टी है, थोड़ी अपनी पार्टी है। असी थोड़ा दुख दर्द जानते हैं, समस्या जानते हैं कि केजरीवाल जान सकता है अपनी समस्या, कि सोनिया गांधी जान सकती है अपनी समस्या। वो अपना हिसाब देख के फैसला करते हैं, असी अपने पंजाब नू देख के फैसला करते हैं, पंजाबियों देख के करते हैं। अज पुरशोत्तम लाल चड्ढा जी जिन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया बनाई, काफ़ी देर दी आ गरीब परिवारों विच अंदर जाके उन्हें मुश्किलां सुनते सी ते करते सी। एक वधिया नेक इंसान, बड़ा वधिया प्रभाव इन्हां दा दुआबे च गरीब जनता विच उन्हां दी आवाज़ बने, माझे च भी ते होर जगह जगह च, ते खास करके वाल्मीकि समाज की आवाज़ बन के आ बहुत अगे उन्हें करे। मैनू बड़ी खुशी है कि वह श्रोणा ने अपनी सारे समर्थनों नाल सारी टीम नाल फैसला किया कि अज एक्ती पंजाब विच गरीब किसान मजदूर की व्यापारी की दुकानदार की सरकार बन लगी है, कि इस करके आपां फुल सपोर्ट असी इस सरकार नूं देना है। तो मैनू बड़ी खुशी है, तो मैं कह सकदा सानू बहुत वड्डी ताकत हुण मिल जूगी। पहले BSP आउण नाल बहुत वड्डी ताकत मिली, हुण डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने पूरी सपोर्ट नाल बहुत मिलेगी। तो मैं इक्को ही पंजाबियों नूं बेनती करना है, पंजाब नूं बचाउणा है ते अपनी सरकार बनाइए।
जे पंजाब नू कल्ला अपनी सरकार अपने लोगों की सरकार बना जाती है ना केजरीवाल वाले ना सोनिया गांधी अपना पंजाब का भला सोच सकती है। सारे जिहड़े उन्हें नाल आए तो बाकी उन्होंने सारे अहुदेदार आए हैं, मैं उन्होंने पूरा धन्यवाद करता, उन्होंने जी आए कहना तो पूरा विश्वास दवाना है पुरशोत्तम लाल जी नू सरकार बनते जो थोड़ी भावना सुपने है थोड़ी अपनी सरकार होगी जो थोड़े सुपने आके दस्यो असी पूरे करांगे। डेमोक्रेटिक अनकंडीशनली सानू सपोर्ट कर रही है। तुसी अगले देखोगे जेड़े जेड़े पंजाब विदेशी पार्टियां वो सारियां इकट्ठियां हो रही एक झंडे थले, क्योंकि साड़ी जिवें मैं क्या सोच पंजाबियों ने जोड़ना है तोड़ना नहीं।